राधे राधे गुरु जी। जी मेरा एक प्रश्न है गुरु जी, मैं आपकी कथा एक साल से सुन रही हूँ और आप हर कथा में हमेशा यही कहते हो कि सास ससुर की सेवा करना चाहिए, वो भी माता पिता के समान समझना चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये है गुरु जी कि मेरे जो सास ससुर हैं वो मुझे पसंद नहीं करते। मेरी शादी 10 साल हो गई गुरु जी, लेकिन आज भी वो मुझे घर से निकालने की कोशिश में रहते हैं। मेरे पति उसी टेंशन में गुरुजी दारू पीना सीख गए हैं, इतने सीधे साधे से। कहाँ है पति आपके? मेरे पति घर में है गुरुजी। लाए नहीं? नहीं आए गुरुजी। क्यों? मेरी मम्मी आई है, मेरी बेटी आई है। तो पति क्यों नहीं आए? नहीं आए गुरुजी, वो बोलते हैं कि मेरा क्लोजिंग चल रहा है तो मैं नहीं जा पाऊंगा बोल के। कितने भाई हैं आपके पति? एक ही है गुरुजी। तो माँ क्यों निकालना चाहती हैं आपको? पता नहीं गुरुजी। और मेरा एक बेटा है जो उनके पास रहता है, उनको भी गुरुजी वो इतना मतलब मेरे खिलाफ आपको गलतफहमी भी तो हो सकती है। हो सकती है आपकी सास आपके लिए अच्छा सोच रही हो और आपको लग रहा हो कि बुरा सोच रही है। नहीं नहीं गुरुजी, वो हमेशा ना किसी पंडित के पास जाएगी, मेरी बहू के लिए कुछ कर दो, पागल कर दो, उसको घर से निकाल दो, कुछ भी गुरुजी करती। अब मेरा बेटा भी गुरुजी मेरे से बात नहीं करता है, बोलती है तेरी मम्मी अच्छी नहीं है बोल के हर चीज मेरे खिलाफ मेरा बेटा चला गया गुरुजी। तो आपका मैं मार्गदर्शन चाहती हूँ कि मैं उन लोगों से प्यार करूँ कि क्या करूँ। कितने साल की हैं सास? मेरी सास गुरुजी मतलब वही 45 साल की लगभग होगी। अच्छा, अभी 45 की हुई? जी। अच्छा, तभी तो अभी टाइम है। मेरे पति अच्छा है गुरुजी। मैं उनको लेकिन गुरुजी दिल से अपने, मेरे पापा नहीं है गुरुजी, तो मैं उनको अपने पापा के समान, अपने जैसे मेरी माता जी है उनके समान ही उनको समझती हूँ गुरुजी मैं उनको। हाँ तो आप समझते रहो। अच्छा, और वो भी उनको लेके आना, हम समझाएंगे, ठीक करेंगे उनको। जी जी, वो बहुत गुरुजी की वो गाली गलौज करने वालों में से बहुत गंदा गंदा गाली देते हैं। कौन, सास आपकी? दोनों गुरुजी एकदम गंदा गंदा गाली देते हैं गुरुजी, कभी कभी तो घर से निकाल देते हैं हमें। तो आपके पति आपका सपोर्ट करते हैं? पति सपोर्ट करते हैं गुरुजी। तो चलो पति अच्छे हैं। वही है ना गुरुजी की पति भी घर के टेंशन के वजह से ना गुरुजी बहुत ज्यादा ड्रिंक, शराब वराब ना पिए, उनसे उनको ले आते हैं, समझाते बढ़िया से। आपके ससुर जी क्या करते हैं? वो रेलवे में है गुरुजी। और पति? पति वो फाइनेंसर है गुरुजी। वो तो उनको समझाया ही जा सकता है। जी जी, आप ले आना अगली बार या पति को या तो सास को। नहीं गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं उनसे मतलब प्रेम करूं कि मैं उनसे नफरत करूं। नहीं, नफरत क्यों करें? नफरत तो इसलिए गुरुजी कि क्योंकि मेरा बेटा मेरे खिलाफ है गुरुजी। कहां बेटा आपका? बेटा मेरा उन्हीं के पास रहता है गुरुजी। 10 साल का है मेरा बेटा, मेरे से मेरे को ना मम्मी नहीं समझता, वो हमेशा मेरे खिलाफ ही रहता है वो। उसको आप अपने पास रखा करो, समझाया करो बेटे को, है ना, अपने पास रखा करो। और आप ज्यादा कुछ बोला मत करो ज्यादा, सास ससुर हैं सुनो। जी जी। पर सास ससुर को ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। किसी का सीधेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, किसी को भड़काना नहीं चाहिए किसी के खिलाफ व्यर्थ में। आप अपने बेटे के पास रहो, बेटे को समझाओ और आप बोला कम करो, ज्यादा तो नहीं बोलते। नहीं गुरुजी, नहीं बोलती तो होंगी घर में। मैं सिर्फ अपने पति से बात करती हूँ, बाकी उन लोगों से ज्यादा बात नहीं करती मैं। तो आप बिल्कुल टुप्पी टाप रहा करो। जी गुरुजी, टुप्पी टाप रहा करो। जी जी।